सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अनूप सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल भैया जी में। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे यार कि एडवांस प्लेयर कस्टमाइजेशन कैसे अनलॉक करें विदाउट कुछ पेड किए, फ्री में कैसे हम उसे अनलॉक कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे जिससे आप इसे अनलॉक कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये वीडियो आपको देखना है अगर आपको प्लेयर कस्टमाइजेशन अनलॉक करना है लेटेस्ट वर्जन में 2.7.8 वर्जन WCC2 के। तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो एडवांस प्लेयर कस्टमाइजेशन है WCC2 गेम में वो भी अनलॉक नहीं है, वो अभी अनलॉक नहीं है। मैं आपको उसके बाद करके भी दिखाऊंगा अनलॉक और उसके बाद भी आपको दिखाऊंगा कि ये अनलॉक हो चुका है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको क्विक प्ले का ऑप्शन मिल जाता है तो उस पर चले जाएंगे और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरे अनलॉक नहीं है, उसके बाद हम करेंगे इसको और अनलॉक कर लेंगे। तो कस्टमाइजेशन में आप देख सकते हो अनलॉक एडवांस का ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिल रहा है और नीचे देख सकते हो नीचे सारे पेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अनलॉक एडवांस पैक का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब चलिए करते हैं इसे अनलॉक और पा लेते हैं ये सारी चीजें फ्री में। अब आपको उसे अनलॉक करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो डायरेक्ट आपको गूगल ड्राइव लिंक दूंगा हैक ऐप डाटा का, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। गूगल ड्राइव का लिंक है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पहले सबसे जाके उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। और अगर आपने अपना WCC पिछला मेरा वीडियो देखा होगा VIP वाला, मतलब VIP स्टेडियम अनलॉक वाला, तो आपको आधी प्रोसेस स्किप करनी है जहां तक मैं बोलूंगा। आपको हैकेबल नहीं बनाना है अपने WCC2 गेम को क्योंकि आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो इतना पार्ट आप मिस कर सकते हैं, अगर नहीं देखा तो देखिए, अगर आप देख चुके हैं तो उतना पार्ट मिस कर दें, आगे की पार्ट में आपको वहां से दिखाऊंगा। तो जिसने नहीं देखा तो चलिए भाई सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और सिंपली इसे ओपन करिए। हैक ऐप डाटा को हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ऊपर आपको सेटिंग का आइकन मिल जाता है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको वर्किंग मोड लिखा हुआ है तो वर्किंग मोड पे आपको जाना है और आपको नन रूट और रूट दो चीजें दिखेंगी। तो आपका डिवाइस अगर नन रूट है तो नन रूट पे आप सेलेक्ट कर देना, वैसे सबका नन रूट ही होता है तो नन रूट पे सेलेक्ट कर दो और आगे की प्रोसेस हम करते हैं। तो और सीधे आपको दिखेगा WCC2 एक आपको मतलब मिल जाएगा WCC2 वहां पे, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे देख सकते हैं आप अनहैकेबल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम उसे हैकेबल बनाएंगे और तो हम उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो यार आपको वेट करना होगा और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक आपने मतलब बैठिए आराम से रिलैक्स करिए और सीधे प्रोसेस देखते रहिए। और भाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, तब तक के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को। तो अब आपको कुछ ऐसा पॉपअप होगा मेक इट हैकेबल, तो यहाँ पे आपका वो सक्सीड हो चुका है। तो आपको अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे अभी कुछ क्लिक नहीं करना है और सीधे आपको जाना अपने होम स्क्रीन पे और आपको जाना है फाइल मैनेजर में। तो फाइल मैनेजर पे मैं जाता हूँ और आपको इंटरनल में जाना है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड फोल्डर आपका होता है उसमें ही आपको जाना है। तो मैं सिंपली चला जाता हूँ एंड्रॉयड फोल्डर में, तो आपको एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है, आपको एंड्रॉयड में फिर जाना है OBB में। उसके बाद आपको यहाँ पे com.nextwave.wcc2 का फोल्डर मिलेगा, इसे ही हमें करना है रीनेम। तो इसको हम करते हैं रीनेम अभी, तो अभी इस पे क्लिक करते हैं और रीनेम कर देते हैं। और रीनेम करने का मतलब आप कुछ भी थोड़ा सा पीछे ऐड कर दो, कुछ भी थोड़ा सा एक कैरेक्टर ऐड करके। मैं ओके कर देता हूं और फिर से चला जाता हूं अपने हैक ऐप डाटा पे। अब हम इसे करेंगे अनइंस्टॉल यानी कि रिमूव पे हम क्लिक करेंगे और ये गेम हो जाएगा हमारा अनइंस्टॉल। तो चिंता मत करिए, आपका गेम कहीं नहीं गया, आपका गेम आपके पास ही है। तो ये अनइंस्टॉल होगा, फिर हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और ये सिंपली इंस्टॉल लगेगा। तो इंस्टॉल हो रहा है, तब तक के लिए मैं स्किप करता हूं।
इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और जाएंगे होम पेज पे, फिर से जाना है फाइल मैनेजर में और जो हमने रीनेम किया है उसको फिर से हम हटा देंगे, यानी कि उसको रिमूव कर देंगे। तो जो मैंने जी लिखा था मैं उसे रीनेम करके हटा देता हूँ। तो ये मैंने जी को हटा दिया और मैं फिर से ओके करके, और थोड़ा सा मुझे गेम को खेलना होगा, अब हम गेम को चेक करें क्या सब चीज सही है। तो हम गेम को ओपन करते हैं। गाइज गेम इसलिए ओपन करना है, मतलब आप चेक कर लो, आप गेम को देख लो कि गेम चल रही है क्या, कोई इसमें प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे, बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे गेम ओपन करके ये सारी चीजें जो आती है आपको क्लेम करने के लिए वो सब चीजें ले लो और सीधे गेम को ओपन कर लो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ी देर के लिए गेम ओपन कर लो, मतलब गेम चल रही है। तो मैं थोड़ा सा क्विक मैच में जाता हूँ और देखता हूँ कुछ, तो क्विक मैच में हम ओपन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, बस इतना काफी है। तो चलिए फिर से बाकी की प्रोसेस करते हैं। तो अब हमें जाना है फिर से अपने हैक ऐप डाटा पे। तो हाँ गाइस, अब हमारा हो गया है मतलब WCC2 हैकेबल हो गया है। तब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है हैक यूजर ऐप पे। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हैकेबल हो चुका है WCC2। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है नीचे बॉटम पे, आप देख सकते हैं प्रिफरेंस का, प्रिफरेंस पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर com.nextwave.wcc2v2 प्लेयर पिप्स आपको दिखेगा, तो इसपे आपको करना है क्लिक और स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और मैं आपको बताता हूं आपको कहां जाना है। तो आपको यहां पे कस्टमाइजेशन IAP आपको दिखेगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है और इसकी वैल्यू आपको दिखेगी, आपको वैल्यू वही चेंज करना है। तो 0 को हटा के वो आपको 1 लिख देना है बस। तो यहाँ पे आपको 0 हटा के, दोनों 0 हटा के वहां पे 1 लिख दीजिए और यहाँ पे आपको क्लोज करके देना है और यहाँ से भी आपको क्लोज करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से हैक ऐप डाटा को हटा देना है, मतलब टैब से ही हटा देना है। अब सीधे चलते हैं गेम पे और देखते हैं क्या हमारा प्लेयर कस्टमाइजेशन मतलब अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गेम गाइज हो रहा है ओपन, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.7.8 है। तो वर्जन यही है WCC2 का, न्यूएस्ट वर्जन है, सबसे नया वर्जन आपको यहाँ पे दिख जाता है। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे क्विक प्ले पे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा अनलॉक हुआ या नहीं। तो क्विक प्ले पे चले जाएंगे और सिंपल से स्पेंड कॉइन कर देंगे और यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एडवांस पैक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा और आप हमारी सारी चीजें चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं और आप देख भी सकते हैं। और मैं आपको बियर्ड भी दिखा देता हूँ, सारी चीजें आपको अनलॉक मिल जाएंगी अब, और आपका जो हो गया है वो फ्री हो गया है और बड़ा खतरनाक बन गया भाई, देख लो गब्बर सिंह। तो यहाँ पे आपको अब सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी, आप सारे चीजें यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको ये कुछ सिंपल स्टेप थे और आपको मैंने बता दिया है, आप बहुत ही आसानी से इसे यूज करके और आप अपने प्लेयर कस्टमाइजेशन को अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे करना है आपको अनलॉक। तो सबसे पहले जाओ और वीडियो पे लाइक करो, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी इसको बनाने के लिए, पोलिंग मैंने किया था, आपने कहा हाँ बनाओ, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो पहले सबसे लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, क्योंकि यार आपने कहा वीडियो बनाओ तो मैंने बना दिया। अब आप, मैं कह रहा हूँ वीडियो शेयर करो, तो आपका उत्तर तो करना पड़ेगा भाई, वीडियो शेयर कर दो। चैनल पे नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर दो और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो यार आपका प्लेयर कस्टमाइजेशन हो गया है अनलॉक और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अगर आपका नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपका नहीं हुआ। सो गाइस यही था आज का वीडियो, होप कि वीडियो आपको पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।